राजनीति में कौन दोस्त से विरोधी बन जाए कोई नहीं जानता। बंगाल की सियासत में कुछ ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया जब विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल रही ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस लगातार इस कोशिश में थी कि ममता बनर्जी से वार्ता कर उन्हें गठबंधन में जुड़े रखा जाए। हालांकि ममता के मन में तो कुछ और ही था। यही वजह है कि उन्होंने काफ़ी पहले साफ कर दिया था कि वह अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। उनका कांग्रेस से गठबंधन का कोई प्लान नहीं था। अब उन्होंने बंगाल की सभी 42 सीटों पर कैंडिडेट भी उतार दिए हैं और कांग्रेस देखती की देखती रह गई। इतना ही नहीं, टीएमसी नेतृत्व ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी है। पार्टी ने अधीर रंजन के सामने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया है। जैसे ही अधीर और यूसुफ पठान का नाम आया तो हर किसी के मन में सवाल उठने लगा, क्या दीदी ने कांग्रेस के इस दिग्गज को उनकी मौजूदा संसदीय सीट पर ही फंसा दिया। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट की, जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं। वो 5 बार से लगातार इस सीट पर चुने जाते रहे हैं। 1999 में पहली बार उन्होंने यहां से जीत दर्ज की। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2019 लोकसभा चुनाव में वो लगातार 5वीं बार यहां से सांसद बने। हालांकि 2024 को लेकर ममता बनर्जी ने तगड़ा दाव चलते हुए पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उनके मुकाबले में उतार दिया। जैसे ही टीएमसी ने उम्मीदवारों का नाम घोषित किया, सवाल ये उठे कि क्या जानबूझकर ममता दीदी ने यह दाव चला है और इस दाव में क्या सचमुच कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी फंस सकते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हमेशा से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी में एक्टिव रहे। इंडिया अलायंस के दौरान भी कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश ममता बनर्जी को साथ रखने की थी, लेकिन अधीर रंजन का अंदाज बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस गठबंधन का लगातार विरोध किया। खुद टीएमसी की ओर से साफ कर दिया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने में बड़ा रोल अधीर रंजन चौधरी का था। अब जिस तरह से 2024 के रण में टीएमसी ने बहरामपुर की सियासी पिच पर पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा, वह किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।